हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन से वैग 12 वाली मालगाड़ी का व्यू लेकर आए हैं, जिसे अख्तर भाई ने शूट करके हमें भेजा है। अख्तर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हम आप लोगों को दुन एक्सप्रेस आते हुए भी दिखाएंगे, जो हावड़ा से योग नगरी ऋषिकेश के बीच में चलती है, 03009। तो सामने देख सकते हैं वैग 12, जो सबसे पावरफुल लोको है खास तौर से मालगाड़ियों के लिए। तो ये बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन से गुजर रही है। 627 है इस वैग 12 का इंजन नंबर, लगभग दो इंजनों के बराबर ये एक लोको है, देख भी सकते हैं। तो अख्तर भाई का कहना है कि पहली बार वैग 12 बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन से गुजर रही है, तो हो सकता है कि पहली बार ना हो, रात के समय में काफ़ी गुजरे हों, उस समय अख्तर भाई मौजूद ना हो, क्योंकि बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन मेन रूट पर एक तरह से पड़ता है, जंक्शन भी हुआ, तो कई दिशाओं से यहाँ पर रेलगाड़ियाँ आती हैं, और रात के समय में हो सकता है निकल चुकी हो। फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं दिन के समय में पहली बार वैग 12 के द्वारा कोई मालगाड़ी बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन से गुजर रही है। सामने देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर दून एक्सप्रेस भी आ गई है, जो हावड़ा से योग नगरी ऋषिकेश के बीच में चलती है, प्लेटफॉर्म नंबर एक पर अराइव हुई है। बात थोड़ी सी करते हैं वैग 12 के बारे में भी। बीच में काफ़ी खबरें आई थी कि जहाँ कहीं पठार टाइप के क्षेत्र हैं या पहाड़ी टाइप के क्षेत्र हैं, खास तौर से उड़ीसा की तरफ, तो वहाँ पर वैग 12 चलते चलते एकदम हाँफने लगा, चढ़ाई नहीं चढ़ पाया। तो यहीं आलोचना हो रही थी कि किस तरह से ये वैग 12 सबसे शक्तिशाली लोको हुआ, जबकि वैग 9 को खींचने में ऐसी जगह पर कोई समस्या नहीं आई जहाँ पर ऊंचा या नीचा होता है, तो वहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा वैग 12 को। तो एक सक्सेसफुल लोकोमोटिव नहीं कह सकते हैं वैग 12 को, जैसा कि इंडियन रेलवे ने जो इसकी कमियां बताई। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।